हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्को से ले एजुकेशन में। और बेटा आज हम कर रहे हैं फोर्थ क्लास की ईवीएस का 22nd लेसन, जिसका नाम है द वर्ल्ड इन माय होम। तो बेटा पढ़ते हैं इस लेसन का। टग ऑफ वार, टग ऑफ वार क्या होता है? टग ऑफ वार होता है जैसे कि एक रस्सी के दोनों तरफ कुछ लोग खड़े होते हैं और वो उनको आधे इधर खींचते हैं, आगे आधे इधर खींचते हैं, उस को हम बोलते हैं टग ऑफ वार। तो देखते हैं इसमें कैसे टग ऑफ वार हो रहा है। वंश अगेन एवरीबॉडी इन मैरिड फैमिली इज क्वारलिंग और वाचिंग द टीवी जस्ट लाइक दे डू एवरी डे। कह रहे हैं कि एक बार फिर से जैसे कि हर रोज होता है वैसे ही मैरिड के परिवार में टीवी देखने पर झगड़ा हो रहा है। मैरियट्स ब्रदर वांट टू वॉच ए क्रिकेट मैच व्हाइल लिटिल सुसैन इज ईगर टू वॉच आर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स। अब कह रहा है कि उसका भाई तो चाहता है कि मैं क्रिकेट का मैच देखूं और सुसैन चाहती है कि वो अपना गाने सुने जो कि उसका फेवरेट गेम है। मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम आर डिफरेंट। कि मम्मी और आंटी अच्छी मित्र हैं आपस में, लेकिन उनके फेवरेट जो प्रोग्राम है टीवी के वो अलग अलग है। मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज वाइल आंटी एंजॉय ए टीवी सीरियल। अब मम्मी को अखबार में मतलब समाचार सुनना पसंद है, लेकिन आंटी को क्या है, आंटी अपने सीरियल देखना चाहती हैं। मैरियट वांट टू वॉच कार्टून एंड डैडी एंजॉय द फुटबॉल मैच। मैरियट को तो क्या चाहिए, उसको चाहिए कार्टून और डैडी को फुटबॉल मैच। ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग। कि वह तो केवल रात को ही मैच मतलब टीवी देख सकता है। फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। और रिजल्ट ये होता है कि उसको सभी को फुटबॉल मैच ही देखना होता है, यानी कि वो अपनी पसंद का हमेशा ही टीवी पे जो प्रोग्राम है वो लगाते हैं और बाकी सबको वही देखना होता है जो वो देख रहे हैं। अब अपने पास है लेटेस्ट टॉक, आपस में चलो हम बातें करते हैं। इन योर होम टू डू पीपल कॉल और फैंस टीवी न्यूज़पेपर चेयर एंड एनीथिंग एल्स। कह रहा है कि क्या तुम्हारे घर में भी ऐसे ही पंखे टीवी समाचार पत्र कुर्सी वगैरह पे झगड़े होते हैं क्या? तो बेटा ये सबके घरों में ही होते हैं। तो हमने लिखा है यस। इन योर होम हु सेटल द सच कॉल्स। इस तरह के झगड़े तुम्हारे घरों में कौन सेटल करता है, कौन उसको हैंडल करता है? तो यहाँ पे पेरेंट्स ही होते हैं। बच्चे ज़्यादातर करते हैं और बच्चे जब करते हैं तो पेरेंट्स ही उनके बीच में आते हैं। हैव यू एवर सीन पीपल क्वारलिंग और समथिंग एल्स वेयर वट। कह रहे हैं कि तुमने लोगों को कभी और किसी बात पे भी झगड़ते देखा है, और देखा है तो क्या है? तो भाई यहाँ पे हमने लिख रखा है यस। सभी देख लेते हैं कहीं ना कहीं तो झगड़ा करते हुए, कि बाहर हम बाजार जा रहे हैं तो बाजार में भी झगड़ा मिल जाता है देखने को, या हम स्कूल जा रहे हैं तो रास्ते में ही दो लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं, है ना? तो ये बहुत सारी बार हम देखते हैं। बेटे एक क्वेश्चन यहाँ रह गया, टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज ए क्वारल ओवर सच थिंग्स। कि एक ऐसी इंटरेस्टिंग जो घटना घटी थी इस तरह के झगड़े होते हुए, तो वो बताना है। तो बेटा यहाँ मैंने लिख रखा है, माई ब्रदर वॉज क्राइंग फॉर न्यूज़पेपर, आई गिव हिम ओल्ड वन, ही बिकेम हैप्पी, ही डिड नॉट नोटिस दैट इट वॉज ओल्ड। कि वो अखबार की जिद कर रहा था, पुराना पकड़ा दिया, उसको पता ही नहीं चला कि नया है या पुराना। अब आगे है वाई द डिफरेंस। इट इज 7 o'clock इन द इवनिंग, प्रतिभा इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। कह रहे शाम के 7 बज रहे हैं और प्रतिभा को अपने फ्रेंड्स के घर से अपने घर जाने की जल्दी है। हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स। और उसके भाई संदीप और संजय अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, उनको कोई जल्दी नहीं है। दे आर इन नो हरी टू गो होम, उन्हें घर जाने की जल्दी नहीं है। इवन इफ दे आर लेट नो बडी विल स्कोल्ड देम। चाहे वो लेट ही हो जाएं, लेकिन उनको कोई भी नहीं डांटेगा। स्कोल्ड मीन्स डांटना। प्रतिभा थिंक दैट दिस इज नॉट फेयर। प्रतिभा को दिखता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, कि मुझे तो सब डांटे और इनको कोई नहीं डांटेगा। वाई शुड बी देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनादर फॉर हर ब्रदर। की उसके भाई और उनके लिए अलग अलग रूल क्यों हैं, ये उसको अच्छा नहीं लगता। बट वट
कैन सी डू, परंतु वो कर भी क्या सकते, क्यों नहीं कर सकती, वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकती है कि सबके साथ एक जैसे ही रूल होने चाहिए। अब चलो इसके बारे में आगे बात करते हैं, लेट अस टॉक, बात कर लेते हैं। डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस, कह रहे कि इस तरह की घटना तुम्हारे घर या तुम्हारे फ्रेंड्स में से किसी के घर घटी है जो तुम्हें पता हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, नहीं मेरे घर में नहीं होती हैं ऐसे और मेरे हिसाब से ये गलत है, नो इट इज नॉट राइट, रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन, सभी के लिए एक जैसे रूल्स होने चाहिए। नेक्स्ट अपने पास है, डू यू थिंक दैट देर शुड बी डिफरेंट रूल्स फॉर गर्ल्स बॉयज वुमेन एंड मैन, कि बॉयज और गर्ल्स के लिए या वुमेन और मैंस के लिए अलग अलग रूल होने चाहिए, क्या तुम बताओ चाहिए, क्या अलग अलग होने चाहिए, नहीं, रूल शुड बी सेम फॉर एवरीवन, सभी के लिए एक जैसे रूल होने चाहिए। अब आगे अपने पास है पीलू आंटी, अब देखते हैं पीलू आंटी क्या कर रही हैं। वन डे पीलू आंटी टूक फली एंड नाजी एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच, एक दिन फली आंटी नाजी फली और उसके फ्रेंड्स को बीच पर ले गई, व्हाट ए गुड टाइम दे हैड, कि उन्होंने बहुत अच्छा टाइम बिताया, दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर, उन्होंने मिट्टी और पानी में अच्छे खेल खेले, बीच के किनारे पानी होता है, समुद्र की लहरें उठ के आती हैं ना और फिर वो अपने साथ जो लाती मिट्टी उसको छोड़ जाती हैं, तो उस मिट्टी और पानी में उन्होंने बहुत अच्छे तरह से वो खेले, एंड देन वेंट टू राइड ऑन द जाइंट व्हील, और एक बड़े से व्हील पर या गाड़ी पर उन्होंने राइड ली, आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड बोट बैलून्स, उसके बाद उन्होंने भेलपुरी खाई और बैलून्स खरीदे, देन एवरीबडी एन्जॉय सम आइसी कोल्ड कॉफ़ी, और उसके बाद सभी ने ठंडी ठंडी कुल्फी खाई, वेन द कुल्फी सेलर आस्क फॉर मनी ही मेड ए मिस्टेक, और जब कुल्फी सेलर से पैसे पूछे तो उससे कुछ गलती हो गई, क्या ही चार्ज फॉर 5 कुल्फीज इंस्टीड ऑफ 7, उन्होंने 7 कुल्फी के पैसे लेने की बजाय 5 कुल्फी के पैसे लिए, द चिल्ड्रन थॉट, बच्चों ने सोचा हुर्रे वी हैव सेव्ड मनी, अरे हमारे पैसे बच गए 2 कुल्फी के, है ना उसने कब लिए, बट पीलू आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू द कुल्फी सेलर, परंतु पीलू आंटी ने कुल्फी सेलर को 7 कुल्फियों के पैसे दे दिए, द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट पीलू आंटी डिड दैट डे, कि बच्चे जो उसने पीलू आंटी ने उस दिन किया उसको हमेशा याद रखेंगे कि भाई ईमानदारी पीलू आंटी ने दिखाई, इसी तरह की ईमानदारी सभी को दिखानी चाहिए। If you were to write a different ending for this story, how will you end it? यदि अलग से कुछ इसका ending तुम्हें दिखानी हो तो क्या दिखाओगे? अभी हमने कहानी पढ़ी है ना पीलू आंटी की, तो तुम इसकी अलग से जो एंड देना चाहोगे तो वो क्या होगा? यही होगा कि कुल्फी सेलर गिव्स वन मोर कुल्फी विदाउट कॉस्ट, कि बिना कॉस्ट के ही उन्होंने एक कुल्फी इनाम के तौर पे दे दी, उन्होंने ईमानदारी दिखाई इसलिए से, कि ये भी इसकी एंडिंग हो सकती है। आगे है, इज देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज लाइक पीलू आंटी, क्या तुम्हारे परिवार में भी कोई ऐसा है जो पीलू आंटी की तरह से सोचता हो, और है तो कौन है, भाई मेरे घर में मेरा बेटा भी ऐसा ही है ना, या तुम्हारे पापा हो सकते, भाई जो भी हो वो तुम यहाँ पे लिख दोगे। What would the children have thought if Pilu auntie had paid less money to Kulfi seller? What do you think about this? कह रहा है कि यदि पीलू आंटी कुल्फी सेलर को कम रुपए देती तो बच्चे क्या सोचते, तुम्हारे इस बारे में क्या विचार है? तो बच्चे सोचते बेटा पीलू आंटी वुड वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट बनती है, और वी शुड नॉट डिसीव एनीवन, हमें किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, यदि हम इफ़ वी डिसीव एनीवन वी विल ऑल्सो बी डिसीव्ड बाई अदर, यदि हम किसी को धोखा देंगे तो कोई हमें भी धोखा देगा, इसलिए हमें किसी को भी धोखे में नहीं रखना चाहिए। आगे बेटा अपने पास है, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए,
अक्षर लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच, शी लव्स हिम डियरली। कह रहे हैं कि अक्षय अपनी दादी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी दादी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है। शी टॉक टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत ही रोचक चीज़ें उसे वो बातें बताती है। अनिल अक्षय फ्रेंड, अनिल अक्षय का फ्रेंड है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू, और उसकी ग्रैंड मदर अनिल को भी पसंद करती है। बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनी थिंग एट अनिल्स हाउस, नॉट इवन ए ग्लास ऑफ वाटर। परंतु एक चीज वह अक्षय से बार बार कहती है कि कभी भी अनिल के घर का कुछ भी मत खाना, एक गिलास पानी भी नहीं। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली सी सेज, वो कहती है कि वो हमारे परिवार से अलग हैं, भिन्न हैं। वन डे देर वॉज ए वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस। करे कि एक दिन अनिल के घर के पास बड़े से जो ग्राउंड है उसमें वॉलीबॉल का मैच हो रहा था। इट वॉज ए हॉट डे, बहुत गर्मी थी। एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच, मैच के बाद सभी लोग थके हुए और प्यासे थे। अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी होम, अनिल ने सभी को अपने घर में बुलाया। उसने कहा चलो मेरा घर पास में ही है, वहाँ से पानी पीते हैं। अनिल्स मदर गेव हर वाटर टू ऑल ऑफ देम, अनिल की मम्मी ने सभी को पानी दिया। एंड दे ड्रैंक इट, सभी ने उसको पी लिया। व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय ए ग्लास ऑफ वाटर ही सडनली रिमेम्बर्ड हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग, और जब अनिल ने अक्षय को पानी का गिलास दिया तो उसे अचानक अपनी दादी की वार्निंग, जो चेतावनी दादी देती थी, वो याद आ गई। अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू, अब अक्षय उसकी तरफ देखे जा रहा है टकटकी लगा के कि अब क्या किया जाए, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रही, पानी पीऊँ कि नहीं पीऊँ। अब आगे टॉक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू, अब तुम्हारे हिसाब से अक्षय क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए। ही शुड ड्रिंक वाटर, उसको पानी पी लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वाई वाज अक्षय कन्फ्यूज, अक्षय कन्फ्यूज क्यों था, क्योंकि इफ़ ही फॉलोज हिज ग्रैंड मदर्स एडवाइस ही कैन नॉट सेटिस्फाई हिज थर्स्ट, यदि वो अपनी दादी ने जो एडवाइस दे रखी है उसको मानता है तो प्यासा रह जाएगा, उसको पानी नहीं पिएगा वो। वाई डू यू थिंक अक्षय ग्रैंड मदर वांट हिम नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर इन अनिल्स हाउस, कि उसकी दादी अनिल के घर का पानी भी नहीं पीना, ये किस लिए कहती थी अक्षय को, बिकॉज देयर फैमिलीज आर डिफरेंट, कि उनके परिवार अलग हैं, वो भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उनके घर का पानी नहीं पीना। डू यू नो ऑफ एनीबडी हु थिंक्स लाइक अक्षय ग्रैंड मदर, कोई और लोग भी हैं जिनको तुम जानते हो जो अक्षय की दादी की तरह करते हैं? यस, मैनी ओल्ड पीपल थिंक सो, बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग हैं वो ऐसा सोचते हैं। अब अगला क्वेश्चन बेटा है डू यू एग्री विद अक्षय ग्रैंड मदर, क्या तुम अक्षय की ग्रैंड मदर से सहमत हो कि उनका पानी भी नहीं पीना चाहिए? नो, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आगे व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू, अब तुम्हारे हिसाब से अक्षय को क्या करना चाहिए? ही शुड ड्रिंक वाटर, उसको पानी पी लेना चाहिए। ये परिवार डिफरेंट, छोटे बड़े ऐसा कुछ भी नहीं होता, सभी बराबर होते हैं। तो बेटा इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, आगे का पोर्शन करेंगे अपनी अगली वीडियो में। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।